इस शुक्रवार, शनिवार और रविवार क्राइम पेट्रोल सतर्क विश्वासघात से निपटेगा। एक केस में देखिए कि किस तरह से पीठ में छुरा भौंका गया। वक्त के साथ धंधे के तरीके भी बदलते हैं। एक गोली सीने के आर पार होनी चाहिए। दूसरे केस में देखिए किस तरह भरोसा घटता गया और घटता गया, पर फिर भी एक परिवार विश्वासखोर के जाल में फंसता गया। इतना सोचो मत गीता, तुमको हमारे प्यार का वास्ता है। मंदिर का आखिरी आरती शुरू होता है शाम 8 बजे और आरती का शोर इतना होता है कि कुछ सुनाई नहीं देता। बस 8 से 8:30 बजे के बीच हम घर में घुसेंगे और तीनों को मार देंगे। का है आज का केस है पलटवार। फैसला ले लिया गया था, साजिश की चिंगारी सुलगा दी गई थी। शिकार की हर चाल पर शिकारी की आंखें घात लगाए बैठी थी। एक जुर्म होने को था। संदीप, सॉरी। गुड मॉर्निंग लक्ष्मण। गुड मॉर्निंग जयदीप। क्या यार, आज फिर से लेट, पूरे 5 मिनट लेट हो तुम लोग। मेरी गलती नहीं है भाई। अरे यार, मेरी गलती है, कल रात ने लेट सोया था। कोई बात नहीं यार, अब 5 मिनट ही लेट हुए। 5 मिनट में कौन सी दुनिया इधर की उधर हो गई लक्ष्मण। अरे 5 मिनट क्या, 5 सेकंड में मौत जिंदगी को चुरा सकती है। संदीप फिलोसफर हो गया है, बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहा है। मॉर्निंग उज्जवल। मॉर्निंग। तीन तिगाड़ा आज फिर लेट ना। सही है यार तुम्हारा। अरे भाई उज्जवल, हम तो वक्त के वफादार हैं, बेवफाई तो इन दोनों ने की है। भाई मेरी कोई गलती नहीं है, पर मेरे को गारंटी है ये बिल मेरे पे फड़ेगा। अरे नारायण, 4 चाय गर्मा गर्म। हाँ उज्जवल भाई, सोहेल, उसकी चाय ठंडी होने से पहले उसको ठंडा करना है। टाइम कितना मिलेगा? 15 मिनट, उसकी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट। और हाँ, हेलमेट पहन के। भाई जी, शिकारी तैयार है, बस शिकार का गुड न्यूज सुनना बाकी है। गुड न्यूज कब दे रहे हो पापा? कल डन कर देंगे। परसों के अखबारों के हेडलाइंस चीखनी चाहिए पापा। बिल्कुल चीखेंगे जी, अखबार, न्यूज, इंटरनेट सब पे यही खबर चीखेंगी। और एक बात पवन, गोलियां चाहे जितनी भी बरसा, एक गोली सीने के आर पार होनी चाहिए। ऐसा ही होगा भाई जी, भाई जी का हुक्म है।
कि गोलियां कहीं भी चलाओ, कितनी भी चलाओ, पर एक गोली सीना पार करनी चाहिए। गोली सीना पार करेगी साहब, पार करेगी। लगता है दिल का मामला है। लक्ष्मण, 5 मिनट में मिलते हैं। अरे अभी तो उठाओ यार। अरे यार कुछ नया बोलो भाई। तुम और जयदीप आगे चलो, मैं उज्जवल की दुकान पे मिलता हूँ। ए धोखेबाज, आ जाओ जल्दी। मैं अभी अभी उठा हूँ यार। तू जाओ वक्त पे, मैं लक्ष्मण के साथ ना उज्जवल की दुकान पे मिलता हूँ। सच यार, तुम्हारे जैसे दोस्त होंगे ना तो दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो उज्जवल की दुकान पे मिलते हैं। उतर गया वॉकिंग शॉकिंग का भूत, चढ़ा दूं चाय? कोई आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा और चाय उज्जवल की दुकान पर ही पीऊंगा। अब चलूं? शिकारियों के आका की एक खास मांग थी, एक गोली सीना छलनी कर दे, दिल के चिथड़े उड़ा दे। शिकार की जगह और समय पर मौत की मोहर लगा दी गई थी। अब सवाल यह था कि आखिरकार शिकार था कौन? मेरे इशारे का इंतजार करना। निकले ना, पवन भाई बोले जब तक इशारा ना हो निकलना नहीं है। एक काम कर, सामान चेक कर ले एक बार। 3 बार तो चेक कर चुका हूँ, और कितनी बार करूँ? तो 4th बार कर ले। ये देख मक्खन है, मक्खन सारी की सारी दाग देंगे। अरे जी वाली याद रखियो। गुड मॉर्निंग उज्जवल। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। आज अकेले अकेले? हाँ साले, लक्ष्मण और जयदीप आज फिर से धोखा दे गए। ऐसा नहीं है, मेरी बात हो गई, दोनों आ रहे हैं। अरे मुझे तो लगा आएंगे ही नहीं। अरे ऐसे ही उन दोनों का ना कुछ सरप्राइज वरप्राइज देने का प्लान है आपको। हाँ अरे नारायण, 4 चाय। जी भैया। लो आ गए। आ गए? अरे आओ लेट लतीफ, आओ। अरे यार, यार कभी टाइम पे नहीं आओगे तुम लोग, आज फिर लेट हो गए। अरे काहे का लेट यार, चाय तो अभी आई नहीं। हां ये थे कि भैया चाय कब आ गई भैया। लो आ गई चाय। अदरक डालो ना भाई। उंगली उंगली घुमाए। हां चीयर्स चीयर्स लो। चीयर्स करवाते हैं आज। निकलो। अरे यार मैं तो भूल ही गया था, आज अनाज की डिलीवरी है। फोन करता हूँ, टेम्पो निकाला कि नहीं वहाँ से। एक तो नेटवर्क नहीं मिलता यार यहाँ। अरे उज्जवल ना, सुबह सुबह कैसे काम सोचता है इसे? अरे हाँ काम से याद आया, तुम्हारा वो स्टेशन की लाइटिंग का टेंडर निकलने वाला था, उसका क्या हुआ? अरे वो आज खुलेगा, जो टेंडर माता की इच्छा। लक्ष्मी जी का हाथ है तुम्हारे सर पर, तो टेंडर माता को तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। वैसे सरकारी टेंडरों का सरदर्द ना हर किसी के बस की बात नहीं, मानना पड़ेगा बॉस। आता है तुम्हें? सालों साल पापड़ बेले में नहीं, अंधेरे में। अब जाके रोशनी की एक किरण नजर आ रही है।
अब जाके सांस ले पा रहा हूं मैं। ये सरकारी ठेके मतलब दोधारी तलवार है, एक तरफ लक्ष्मी माता है तो दूसरी तरफ साक्षात यमराज। संदीप तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा, फिर अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। हम तो डर के मारे अपने ठेले के नीचे बैठ गए। वो आदमी ऐसी गोलियां चला रहा था जैसे कोई पेड़ों को पानी देता है। तीनों पे गोलियां चला रहा था, संदीप, जयदीप और लक्ष्मण पर। अंधाधुंध गोली दाग रहा था, जिसे लगी तो लगी बस। दो लोग थे, सिर्फ दो? हाँ साहब, मोटरसाइकिल पे आए थे और हेलमेट पहन रखी थी। बाइक का नंबर? मौत मिस कॉल दे गई तो बाइक का नंबर कौन देखता। वो लोग चले गए तो भी साहब मुझसे हनुमान चालीसा नहीं निकल रही थी। लेकिन बेटा अंकित, ऐसा कैसे हो सकता है? ताया जी, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ। पापा तो बस रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर ही गए थे। बेटा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कहने के लिए कुछ नहीं रहा। पापा, पापा नहीं रहे था जी। जब संदीप राठौर को एडमिट किया गया था तब उसकी मौत हो चुकी थी। मैंने खुद उसकी बॉडी से 5 गोलियां निकाली हैं। और बाकी दोनों, जयदीप कोठारी और लक्ष्मण सकलानी? दोनों को एक एक गोली लगी थी और गोली निकाल ली गई, लेकिन दोनों अभी बात करने की स्थिति में नहीं। सर, हम चारों की रोज वहाँ मंडली बैठती थी, हम लोग चाय पीते थे, गपशप करते थे। बस 2 मिनट के लिए मैं वहाँ से फोन करने के लिए हिला और फोन। इतनी सुबह सुबह किसे फोन करना था? मेरे अनाज की डिलीवरी आने वाली थी सर। डिलीवरी वाले से ऐसी क्या बात करनी थी जो इनसे इतनी दूर जाकर करनी पड़ी? और वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं बगल में चला गया था, मुझे कुछ एक्स्ट्रा सामान मंगवाना था सर। फिर मैं उससे बात करने लगा और इस बीच में सब कुछ हो गया सर। अरे कल नहीं यार, आज अभी निकालो टेम्पो वहाँ से यार।
जब तक गोलियां चल रही थी सर, डर के मारे मैं वहां से हिला तक नहीं। इतनी सारी गोलियां बरसाई गई, क्या किलर ने इस बीच में गन रिलोड की थी? नहीं सर, लगातार गोलियां चल रही थी सर। वो लोग बाइक से जब वापस चले गए तब मैं वहां पहुंचा। लक्ष्मण और जयदीप तो घायल हो गए थे सर, लेकिन संदीप सर ढेर सा हो गया था। ढेर सा? उज्जवल जी, संदीप उस वक्त जिंदा था या मर चुका था? सर बेहोश तो था, लेकिन जिंदा था कि नहीं ये नहीं कह सकता सर। उसके बाद हम लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, आपको फ़ोन किया, सर यहाँ लेके आया। डॉक्टर ने बताया कि एडमिट होने से पहले ही मेरा दोस्त मर चुका था सर। दोस्त मतलब ये तीनों, संदीप राठौर, जयदीप कोठारी, लक्ष्मण सकलानी आपके दोस्त थे? सर मैं तो इतनी सुबह दुकान ही इनके लिए खोलता था सर। हम लोग गपशप करते थे, दिन की शुरुआत हम लोग एक साथ करते थे सर। बगल में नारायण की चाय की दुकान है सर, वहाँ से चाय आती थी, चाय पीते थे, बातचीत करते थे, फिर वो लोग वापस चले जाते थे सर। बेटा संदीप का? हाँ सर, अंकित और वो संदीप की पत्नी रश्मि भाभी, कुसुम भाभी, जयदीप की पत्नी बीना भाभी, लक्ष्मण की पत्नी सर। और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली? इंदौर में है सब। मैंने अभी ताऊ जी को कॉल किया, वो बस थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे। सर जी, संदीप का घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। वो लोग रोड पे दोनों और संदीप तीनों एक साथ मिलते थे और 1 किलोमीटर चल के यहाँ आते थे। ये हम लोग गपशप करते थे, चाय वाय पीते थे सर, और फिर वो लोग 1 किलोमीटर वापस चले जाते थे, उसके बाद अपने घर लौट जाते थे। रोज़ ऐसा ही होता था? वो दोनों आए ना आए, लेकिन संदीप रोज़ आता था सर। जैसे आज हुआ, पहले संदीप आया, फिर जयदीप और लक्ष्मण भी आ गए। ऐसा क्यों? ज़्यादा लेट नहीं सर, संदीप आया, हम लोगों ने 2-4 मिनट बात की, तब तक वो दोनों भी आ गए। संदीप वक्त का बहुत पक्का था सर। और तुम जबान के पक्के हो या कुछ बताना चाहते हो, पर जबान थरथरा रही है? नहीं सर, जो था सब बता दिया मैंने। मैंने अपना दोस्त खोया सर, अब तो जबान भी नहीं रुक रही और आंसू भी नहीं रुक रहे सर। दो लोग थे बाइक पर या आसपास कोई और भी था? सर दो लोग थे, हेलमेट वाले। हाँ सर, मैंने भी दो ही लोगों को देखा है। पहली बार आए थे यहाँ? पता नहीं सर, पहले कभी आए होंगे तो ध्यान नहीं दिया किसी ने, और हेलमेट वाले आते जाते रहते सर, कौन ध्यान देगा। उज्जवल कह रहा था कि उन लोगों ने गन रिलोड नहीं की थी। मतलब मैगजीन वाली गन होगी। ये देख, मक्खन है मक्खन। सर ये चारों इस दुकान पर चाय पीने के लिए हमेशा आया करते थे, सुनसान जगह है, अटैक करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब संदीप आया तब अटैक नहीं हुआ, बाकी के दो दोस्तों के आने के बाद अटैक हुआ। उज्जवल ने बताया कि जयदीप और लक्ष्मण आज सुबह लेट सोकर उठे थे, लेकिन ज्यादा लेट नहीं, लेकिन फायरिंग तीनों पर की गई। क्या हत्यारे तीनों को खत्म करना चाहते थे? अगर वो तीनों को खत्म करना चाहते थे तो वो नाकाम रहे, क्योंकि मरा सिर्फ संदीप है, बाकी दो तो जिंदा है। चौथा दोस्त उज्जवल, वो भी जिंदा है, उसे तो खरोच तक नहीं है। रूटीन था इनका, चारों दोस्त मिलकर चाय पीते थे, आज दो दोस्त लेट पहुंचे और उज्जवल फायरिंग के वक्त था नहीं, वो फोन करने गया था। फोन करने, इतनी सुबह सुबह सप्लायर को फोन करने। बरसाई गई गोलियों पर किन किन के नाम थे? क्या शिकार संदीप राठौर था जो मारा गया था? क्या शिकार उसके दोस्त लक्ष्मण सकलानी या जयदीप कोठारी थे जो इस शूटआउट में बुरी तरह से घायल हुए थे लेकिन अब खतरे से बाहर थे? या फिर निशाना था चौथा दोस्त उज्जवल जो ऐन मौके पर वहां से चला गया था? क्या था इस शूटआउट का मकसद? कई कई सवाल उठ रहे थे इस केस में, लेकिन जैसे जैसे जवाब मिलते गए ये बात साबित होती गई कि ये केस मॉर्निंग वॉक की तरह सरल और सिंपल तो बिल्कुल ही नहीं था। एब्डोमिनल पेट, जांग, दाया कंधा और सीधा हार्ट के आर पार। ये अपने दोस्तों की तरह बचकर भाग नहीं पाए, सबसे ज्यादा गोलियां इन्हीं को लगी। कोई हम पर गोलियां क्यों चलाएगा, और वो भी चुपचाप मॉर्निंग वॉक के दौरान। पर आप तो आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाने वाले थे ना? बिल्कुल जाने वाला था,
हाँ, थोड़ा देर से उठा, इसलिए संदीप को फोन कर दिया था कि तुम निकलो, मैं तुमसे उज्जवल की दुकान पे मिलता हूँ चाय के लिए। हाँ, आप लोग चाय के लिए मिले, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उज्जवल वहां से सही टाइम पर चला जाता है? आप दोनों को एक एक गोली खा के अंदर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और शिकार फिर संदीप का होता है। इसी बात का तो दुख है कि उस अफरा तफरी में हमें पता ही नहीं चला कि संदीप पीछे रह गया है। हाँ सर, हम लोग लेट पहुंचे, मेरी बात हुई थी उज्जवल से। हाँ उज्जवल, मैं और लक्ष्मण पहुंच रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया निकलने में यार, संदीप निकल चुका है, हम लोग चाय पे मिलेंगे, ठीक है? हम क्यों भागे, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वहीं रुकते गोलियां खाते? मैंने पूछा कि आप वहां से भाग गए तो संदीप क्यों नहीं भाग पाए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो अपनी जान बचा रहा था। अच्छा, ये उज्जवल फायरिंग शुरू होने से कितनी देर पहले गया था, मेरा मतलब कितने मिनट पहले गया था? एक तो नेटवर्क नहीं मिलता यार यहाँ। एक दो मिनट पहले, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। अचानक मुझे याद आया कि मेरी अनाज की डिलीवरी है, तो फोन करने चला गया था मैं। सुबह के 6:30 बजे? 6:30 नहीं सर, 7:15 बजे। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था आज अनाज की डिलीवरी है। कमाल है, एग्जैक्ट टाइम याद है। सर मैंने घड़ी देखी थी उस समय। आप अकेले नहीं है उज्जवल जी जिसने उस वक्त घड़ी देखी थी? समझा नहीं सर, क्या बोलना चाहते हैं आप? कमाल की टाइमिंग, एकदम सटीक। आपको अचानक फोन करना याद आता है और फोन करने के लिए आप दूर जाते हैं, आपके दूर जाते ही हमला शुरू हो जाता है। आपका वहां से निकलना हथियारों के लिए हरी झंडी थी। तो कैसी बात कर रहे हैं सर, संदीप मेरा दोस्त है सर, सालों की दोस्ती है हम लोगों की, और आप मुझ पर शक कर रहे हैं सर? शिकार हुआ है उज्जवल जी, तो शक तो होगा ही। उन तीनों में से सुपारी किसके नाम की थी? सुपारी? सुपारी पर मैं क्या जानूं सर, मैं तो दुकान चलाता हूं सर। किस्मत मुझे अगर वहां से नहीं ले गई होती तो 2-4 गोली मैंने भी खाई होती। और आप? खाई होती पर खाई नहीं। उस हमले में आपके दो दोस्त जयदीप और लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, मरते मरते बचते हैं, और तीसरे दोस्त संदीप को गोलियों से भून दिया जाता है, लेकिन आपको एक खरोंच तक नहीं आती। या तो आपकी किस्मत बहुत तगड़ी थी या फिर साजिश। कैसी बात कर रहे हैं सर आप, मैं तो पहले से परेशान हूं उसकी मौत को लेकर, और आप मुझे खूनी साबित करने पे तुले। जी जी, समझ रहा हूं मैं, लेकिन मेरे भाई की बॉडी कब मिलेगी हमें? अच्छा नीता, मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, संदीप की बॉडी हमें कल मिलेगी, तुम रश्मि का ख्याल रखना। मैं भी चलूं पापा? नहीं बेटा, तू अंकित के पास रुक। संदीप इलेक्ट्रिक फिटिंग्स बनाता था, फैक्ट्री थी उसकी, मतलब है उसकी फैक्ट्री। संदीप की बिजनेस में किसी के साथ दुश्मनी? कभी जिक्र नहीं किया उसने, कई लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, प्राइवेट और सरकारी दोनों। आप क्या बनाते हैं? मेरे दो रेस्टोरेंट हैं इंदौर में, पहले मैं संदीप की मदद करता था उसके सरकारी टेंडर वेंडर में, उसका एक पोल्ट्री फार्म भी है जो मैंने ही सेटअप करके उसे दिया। संदीप के दोस्त लक्ष्मण सकलानी का कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है, और जयदीप कोठारी टेक्सटाइल ट्रेडिंग करता है, राइट? जी सच है। इन दोनों और संदीप के बीच क्या कुछ सही नहीं था? ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों ने या इनमें से किसी एक ने संदीप का कत्ल करवा दिया? मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में, मतलब वो दोस्त थे, गहरे दोस्त सालों से। क्या संदीप इन्हें मरवाना चाहता था? मेरा भाई मारा गया है और आप उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं? ओम प्रकाश जी, हम सिर्फ टटोल रहे हैं। भाई तो मेरा मारा गया है सर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या कोई संदीप को मरवाना चाहता था, खास करके उसके दोस्त। देखिए, अभी तक हमें यह नहीं मालूम है कि असल टारगेट कौन था, संदीप, जयदीप या लक्ष्मण। मैं नहीं जानता। संदीप की किसी के साथ तो दुश्मनी हुई होगी। दुश्मनी तो बहुत बड़ा शब्द है सर,
हर धंधे में कंपटीशन होता है, लेकिन कोई ऐसे खून नहीं करता। ज्यादातर केसेस में खून कोई अपना ही करवाता है ओम प्रकाश जी। वैसे तरक्की के हिसाब से देखा जाए तो संदीप आपसे बड़ा था। क्या मतलब? मतलब ये ओम प्रकाश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े भाई को छोटे भाई का बड़ा होना देखा नहीं गया? आप हद पार कर रहे हैं सर। हत्यारे हद पार कर चुके हैं ओम प्रकाश जी। आपको लगता है कि मैं अपने ही भाई का हत्यारा हूं? ऐसा पहली बार नहीं है ओम प्रकाश जी जब हम किसी भाई पर शक कर रहे हैं। ये सच है कि खून पानी से गाढ़ा होता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जलन और लालच खून से भी गाढ़े होते हैं। हमारे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, हम एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए, और आज वो मेरे पास नहीं है। कितनी दूर निकल गया। उसे दूर भेजने वाले को हम ऐसे निकलने नहीं देंगे। जितना दूर जाना है, गहराई में जाना है, हम जाएंगे, और जब तक कत्ल का असली कारण पता नहीं चल जाता, हमारी शक की गोलियां सब पर बरसती रहेंगी। इस शूटआउट और संदीप की मौत को लेकर कई एंगल्स उभरने लगे और फिर बरसने लगे। उंगलियां उठने लगी, जुबानें चलने लगी, लेकिन इस माहौल की धुंध में एक मूलभूत सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल रहा था कि क्या हत्यारों का निशाना वाकई में संदीप राठौड़ था। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। वो दरअसल मेरे बेटे सुमित ने याद दिलाई मुझे। ये एक साल पुरानी बात है। राजेश सक्सेना। राजेश सक्सेना? हाँ, उसकी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की फैक्ट्री है रायसेन में। हाँ, रायसेन में। जो कुछ भी हुआ था मेरी आंखों के सामने हुआ था। संदीप, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया, और एक बात मेरी आज तू अच्छे से सुन ले। जो लोग दूसरों की पीठ में छुरा घोंपते हैं ना, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी भी एक पीठ है, और उस पर भी कोई छुरा घोंप सकता है। उसने संदीप को जान की धमकी दी थी। बिजनेस में दुश्मनी थी? जी हाँ। मुझे अभी भी डाउट है जयदीप, लक्ष्मण और उज्जवल को लेकर। सर, चारों के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए और लोकेशन ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स भी। एक एक कॉल, एक एक लोकेशन स्कैन करो। संदीप राठौड़ को अगर उस वक्त मार दिया गया होता जब वो अकेला था, तो हथियारों को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता। ये लोग लेट पहुंचे, पर पहुंचे। और उज्जवल बहुत ही चालाकी से वहां से निकल गया। शूटर्स ने गलती से शायद इन दोनों को घायल कर दिया होगा। इन्हें शायद पहले से मालूम था कि अटैक होने वाला है। पॉसिबल है सर। वैसे आज मैं शशिकांत गौर से मिलने जा रहा हूँ। ये संदीप राठौड़ का काम मैनेज करता था, पोल्ट्री फार्म और इलेक्ट्रिकल यूनिट दोनों जगह। डिटेल ग्रिलिंग करो नवीन, पता तो चले कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में कहां शॉर्ट सर्किट हो रहा है और पोल्ट्री फार्म के अंडों में कौन से राज चुभे। साहब, पुलिस। संदीप राठौड़ की मौत से बहुत खुश हुए होंगे आप? मैं खुश क्यों होने लगा इंस्पेक्टर, मैं तो वो न्यूज पढ़कर बुरी तरह से चौंक गया था। चौंक गए थे, वो भी बुरी तरह से? लग तो नहीं रहा है। आपने तो खुद उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सुना है धंधे में कच्चे पर जबान के बड़े पक्के हैं। जी हाँ सर, संदीप सर के दोनों बिजनेस मैं ही मैनेज करता आया हूँ, ये इलेक्ट्रिकल यूनिट और पोल्ट्री फार्म पिछले 10 सालों से। राजेश सक्सेना कौन है? राजेश सक्सेना का भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का बिजनेस है सर। तुम्हारे संदीप सर ने राजेश सक्सेना से ऐसी कौन सी दुश्मनी पाल रखी थी जिसकी वजह से उसने जान से मारने की धमकी दी?
या फिर धमकी पूरी कर दी। सर, राजेश सक्सेना ने संदीप सर को धमकी जरूर दी थी, लेकिन धमकी देने वाला वो अकेला शख्स नहीं था। और कौन था? दिनेश बागड़ी। संदीप, वो होटल मेरा क्लाइंट था। हाँ तो मैंने कब मना किया? वो होटल तुम्हारा क्लाइंट था, अब वो मेरा क्लाइंट है। वर्तमान को मान लो बागड़ी। अरे भाड़ में गया तेरा मान और वर्तमान? ये कोई तरीका होता बिजनेस करने का? किसी दूसरे के क्लाइंट को छीनना, उनके कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह हड़पना। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, और धंधा, धंधा तो प्यार और जंग से बढ़कर है ना। साले चीटिंग किया तूने, और चीटिंग जायज नहीं होती। अरे काहे की चीटिंग? तूने तेरी कोटेशन दी, मैंने मेरी कोटेशन दी, कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, बस बात खत्म। गलत, तूने अंडरकटिंग की है, मुझसे छीना ये कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक बात याद रखना, जो दूसरों का पत्ता काटता है ना, वो खुद बहुत जल्दी कटता है। सर, उसके बाद मैंने संदीप सर को बोला भी था, आगाह किया था। जाते आते बागरी जान की धमकी दे गया। मैं समझ गया, लेकिन अब करे तो क्या करे, धंधा है। धंधे में ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे को नीचे गिराना ठीक नहीं होता। लोगों की दुआएं मिले ना मिले, धमकियां नहीं मिलनी चाहिए सर। संदीप सर खुद काफी परेशान रहा करते थे इस सब को लेकर। और कितनी दुश्मनियां पाल रखी थी तुम लोगों ने? सर, ये दुश्मनी तो दिख गई, तब मैंने संदीप सर को ही बताया था और आज आपको ही बता रहा हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दुश्मनी दिख जाए। चोरी छुपे पता नहीं कौन सी दुश्मनी बुलबुला रही थी। राजेश सक्सेना की या दिनेश बागड़ी की? किसकी दुश्मनी के बुलबुलों में ज्यादा जहर था गौड़? दुश्मनी तो थी, लेकिन किसी जमाने में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। कितने साल पहले की बात है ये? ये करीब 2 साल पहले वो मेरे पास मदद मांगने आया था, उसकी यूनिट बंद पड़ गई थी। यार राजेश, मुझे फिर से शुरू करना है। जब मेरी पोल्ट्री फार्म चल पड़ी तो इलेक्ट्रिक पर से मेरा ध्यान हट गया, और देखते देखते यूनिट बंद करनी पड़ी। देख संदीप, सीधी बात करूंगा, मेरा बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है और मुझे किसी पार्टनर वार्टनर की कोई जरूरत नहीं है यार। मैं कहां 50% मांग रहा हूँ, मुझे 10 ही दे देना। यार मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। राजेश, मुझे तेरी जरूरत है। अरे मेरा सालों का तजुर्बा है, मैं नए क्लाइंट्स खड़े कर सकता हूँ, पर तेरा कुछ होगा तो फायदा ही होगा, और मेरी सेकंड इनिंग शुरू हो जाएगी। मना मत कर यार, मैं खूब मेहनत करूंगा सच में। चल ठीक है, तुम्हें क्या याद रखेगा, तो हम करते हैं साथ में काम। और मेरी मदद से उसकी बंद पड़ी हुई यूनिट फिर से शुरू हो गई। अच्छे चलने लगी? चलने क्या लगी सर, दौड़ने लगी थी। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। यार राजेश, एक बात करनी थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करूं। सीधी बात बोल संदीप, वक्त तो बचता है। राजेश, मुझे अलग होना है, मतलब गलत मत समझना यार। देख, अपनी पार्टनरशिप अच्छी थी, सबसे ज्यादा फायदा मेरा हुआ है यार, दूसरी जिंदगी मिली मुझे। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, अब मैं अलग होना चाहता हूँ पहले जैसे। चल ठीक है यार संदीप, अब तू अलग होना चाहता है तो तेरी मर्जी, मेरी बेस्ट विशेष तेरे साथ है। थैंक यू यार। सिर्फ इसी वजह से आपने संदीप को जान से मारने की धमकी दी थी? संदीप के बड़े भाई ओम प्रकाश उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब आपने जान से मारने की बात कही थी। गुस्से में हम क्या क्या नहीं बोल जाते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन गुस्से में हम क्या क्या नहीं कर जाते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे साथ गलत कर रहा था, मेरे क्लाइंट छीन रहा था, अंडरकोटिंग कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आप संदीप को नहीं जानते, वो एक घटिया और चीप इंसान था। जिस दिन वो मेरे पास मदद मांगने आया, उस दिन गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने बैठकर। मैंने सोचा चलो मेरा दोस्त है, इस नाते मैंने उसकी मदद कर दी, पर उसने क्या किया, मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। भाई पीठ पीछे का क्या मतलब है? तुम अच्छे से जानते हो कि अपना धंधा जो है कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है। मैंने भरा, मुझे मिला। 20 साल पुराना कस्टमर था वो मेरा, जब से उसने होटल स्टार्ट किया उसको मैं माल सप्लाई करता हूँ, क्योंकि तुझे मेरा प्राइस पता था, इसलिए तूने 25% कम कोट किया। सही बात है ये? क्या गलत है इसमें? क्लाइंट ने मुझे पूछा कि मैं कितना नीचे आ सकता हूँ, मैंने मुनाफा छोड़ दिया, कॉस्ट प्राइस कोट किया, कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला। ऐसे कोई बिजनेस करता है? वक्त के साथ धंधे के तरीके भी बदलते हैं। वक्त बदलना प्रकृति है, लेकिन उसूल और नियत हमारी संस्कृति है। कहावतें हारने वाले लिखते हैं, जीतने वाले इतिहास लिखा करते हैं। कहावतें और इतिहास के अलावा एक तकदीर भी लिखी जाती है, जो ये तय करती है कि आदमी कितना ऊपर जाएगा या हमेशा के लिए ऊपर जाएगा। राजेश, तू मुझे धमका रहा है? नहीं नहीं नहीं, धमका नहीं रहा हूं तुझे, मैं तुझे हकीकत बयान कर रहा हूं कि जो अपने मददगार की पीठ में छुरा घोंपता है ना, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके लिए भी कोई छुरा लेकर खड़ा है। बेवकूफ होते वो लोग, नौ सीखिए, जो अपनी पीठ और जुबान दोनों को खुला छोड़ते हैं। और मूर्ख होते हैं वो लोग
जो अपने दोस्त को अपना दुश्मन बना लेते हैं और उसके खून को पानी समझ लेते हैं। क्या खून है क्या पानी, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा नहीं, वक्त बहाएगा। और संदीप तेरा खून बहेगा और उस दिन वक्त की लगाम मेरे हाथ में होगी और घोड़ा भी। मेरी बात याद रखना तू। ये सब क्या है संदीप, ये खून खराबी की बातें? भाई साहब ये बातें हैं, सिर्फ बातें। अक्सर हारने वाले ज्यादा बोलते हैं, लेकिन झूठ को 100 बार सुनाने से झूठ सच नहीं बन जाता ना। अपने धंधे में सच तो यह है कि धंधा जिसने लाया धंधा उसका हो गया। भाई साहब मैंने बिजनेस लाया, उसने बिजनेस खो दिया। इस बात को ये बुद्धू समझ नहीं पा रहा है, खामखा दिल पे ले रहा है और सीधे उसके दिल में गोली दाग दी। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी के खून में रोटी डुबोकर खाना मेरे खून में नहीं है। तो फिर संदीप का खून क्यों बहाया राजेश? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे नहीं मारा। मैं गुस्से में उसके ऑफिस जरूर गया था, मैंने उसे धमकी भी दी, लेकिन वो गुस्सा मैं उसी की दहलीज पर थूक कर आ गया था। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि कोई ना कोई एक ना एक दिन ये कांड जरूर कर बैठेगा। और ये कोई ना कोई है कौन, ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? सच कहूँ हमारे कुछ सुनते भी नहीं बागरी। देखिए आप भी तो धमकी दे रहे हैं, हम सब देते हैं। मैंने भी दी थी धमकी संदीप राठौड़ को, लेकिन मैंने ना उसे मारा है और ना ही मरवाया है। अंडर कटिंग कर करके बिजनेस करता था वो अपनी मौत को खुद न्योता दे रहा था। लेकिन सॉरी मैं वो आदमी नहीं था जो मौत का पैगाम लेके आया। लेकिन सच कहूँ सर, मुझे उसकी मौत पर रत्ती भर भी खेद नहीं। पक्का और कुछ नहीं कहना है तुम्हें? सोच लो, हम तुम्हारा दरवाज़ा दोबारा खटखटाएंगे। अब गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं इंस्पेक्टर, मैं लाशों पर सौदे नहीं करता। हर कोई संदिग्ध था। लेकिन इतने सस्पेक्ट्स होने के बावजूद पुलिस को किसी की ठोस इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही थी। संदिग्धों की बारिश हो रही थी पर सुरागों का अकाल था। सर संदीप के तीनों दोस्तों के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है। और वो हेलमेट पहने हमलावर, उनका कुछ पता चला? सर दोनों किराए के हथियारे लगते हैं। जिस हिसाब से शूट आउट हुआ है उससे तो मुझे यही लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का इस्तेमाल करने वाला मास्टरमाइंड बहुत ही चालाकी से अपना गेम खेल गया। उसने प्लानिंग किसी और से करवाई, इंतजाम किसी और से करवाया और अंजाम किसी और ने दिया। इतनी अच्छी प्लानिंग कि कोई भी कड़ी जुड़वा पाए। सर हमारे सबसे खास खबरी पिछले 4 दिनों से लगे पड़े, अगर कोई कमजोर कड़ी होगी तो जरूर मिल जाएगी। इन बातों से एक चीज तो सामने उभर कर आई है कि जिन दो लोगों ने संदीप को जान से मारने की धमकी दी थी वो इसलिए दी थी क्योंकि संदीप अंडरकटिंग का मास्टर बन गया था। कोई और भी हो सकता है जिसने संदीप को जान से मारने की धमकी दी जो उसके आसपास के लोगों को पता ना हो सकता है। सर इसके मैनेजर शशिकांत गौड़ ने इस बारे में जिक्र किया था। जरूरी नहीं है कि हर दुश्मनी दिख जाए, चोरी छुपे पता नहीं कौन सी दुश्मनी बुलबुला रही थी। नवीन एक काम करो, शहर में जितने भी इलेक्ट्रिक यूनिट पोल्ट्री फार्म है खास करके छोटे, सबको स्कैन करो। कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो संदीप के अंडरकटिंग की वजह से कुचला गया हो, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। राइट सर, अब एक बात तो क्लियर है, निशाना संदीप ही था। लगता तो ऐसा ही कुछ है, पर नवीन ऐसा भी लगता है कि शिकारी का शिकार हुआ है, पलटवार हुआ है। मैं आता रहूंगा रश्मि, और बेटा अंकित जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, हम आ जाएंगे। माँ, पापा को किसने मारा? माँ पता नहीं बेटा, मुझे तो बस वो दिन याद है जिस सुबह वो निकले थे। कोई आए या ना आए मैं तो जाऊंगा और चाय उज्जवल की दुकान पर ही पीऊंगा। अब चलूं? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
अंकित, हर रोज की तरह ही तो एक और दिन था वो। लेकिन माँ, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी हुई होगी ना जिसकी वजह से पापा डिप्रेस्ड हुए होंगे। क्या बात है, कोई परेशानी है? खाना भी ठीक से नहीं खाया? हाँ, कुछ सोच रहा हूँ। किस बारे में? एक ही, इतना सब कुछ हासिल कर लिया, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर इतना टेंशन भी तो है। रश्मि, ये टेंशन जीने का मजा छीन रही है। हर वक्त हर पल एक हल्का सा सरदर्द रहता, एक कहीं कोई कुछ कर ना दे। मैं तो पहले से ही कहती आ रही हूं कि बिजनेस के झगड़े बंद कर दीजिए। जितना है बहुत है, हम बड़े खुशी से रह सकते हैं इसमें जिंदगी भर। उस्मान, पूरा दिन नहीं मेरे पास, जल्दी बोलो। आप तो कह रहे थे कोई विलायती घोड़ा था, मैगजीन वाला, जिसमें एक बार में कई गोलियां फायर होती। ये देख, मक्खन है मक्खन। साहब, एक बात तो पक्की है, दोनों शूटर बाहर के थे, भोपाल से या भोपाल से भी कहीं और आगे से, क्योंकि पूरे ज़िले में इस सुपारी की खबर किसी को भी नहीं थी। देख, एक दिन मैं छुट्टी लेता हूँ और दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त एक एक मिनट बहुत कीमती है मेरे लिए, तो काम की बात। वैसे मैं बिना सबूत को कोई खबर देता नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे हो इसलिए दे देता हूँ। अंदर की बात है। अंदर मतलब? घर के अंदर, फैमिली। वो राजेश सक्सेना की धमकी वाली बात आपने पुलिस को बता दी ना पापा, उसका कुछ निकला? नहीं बेटा, उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं, बोला तहकीकात जारी है। घर के अंदर किस पे शक? उसके भाई पर, भतीजे पर, पत्नी या फिर बेटा? मैंने ये कब कहा कि घर के अंदर की बात है, आप ही सब कहे जा रहे हो। और कौन सा अंदर होता है? सोचिए साहब। देख बे, दो लाफे लगाऊंगा और जितना भी तेरा ये खबरी नेटवर्क का पैसा आता ना, सारा बंद करवा के अंदर डाल दूंगा, समझा? अंदर वाला अंदर साहब, अंदर मतलब जेल के अंदर की बात, इंदौर सेंट्रल जेल। क्या सुना हुआ इसका नाम? उछले एक नहीं, दो दो नाम उछले हैं, एक कोई सुजीत पुरी है और दूसरा कोई आशीष सबरवाल। ये जो दो लोग हैं, सुजीत पुरी और आशीष सबरवाल, इनका संदीप राठौड़ के मर्डर से कुछ कनेक्शन है। सुजीत भाई, पता चला संदीप को टोक दिया? हाँ पता चला, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर। भाई मुझे तो लगता है अगला नंबर हमारा है। पागलों जैसी बातें मत कर, यहाँ जेल के अंदर। और तुझे कैसे पता संदीप राठौड़ को मारने वाले वही लोग हैं? पक्का वही लोग हैं, कि मारने का तरीका देखो, डिट्टू सेम टू सेम, भाई एक गोली सीने में मारी है, दिल के आर पार। अपना एक पंटर है, उसने ये बात सुना और अपने को बताया। ये सुजीत और आशीष संदीप राठौड़ से कैसे जुड़े थे? साहब, ये जोड़ना जुड़वाना आपका डिपार्टमेंट है, मैंने आपको एक कड़ी दे दी है, कारवां तो आप बना ही लोगे, मुश्किल नहीं होगी। बेटा, तुम्हारा इशारा ललित रजावत की तरफ तो नहीं? इशारा विशारा कुछ नहीं पापा, बस एक ख्याल आया तो बता दिया। अच्छा किया तुमने, मुझे लगता हमें इस बारे में पुलिस को बता ही देना चाहिए। हाँ, मैं अजय राजावत बोल रहा हूँ। राजावत इलेक्ट्रिकल्स के मालिक हैं आप? हाँ, अब आप भी बताएंगे कौन साहब बोल रहे हैं? साहेबनगर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर नवीन चोपड़ा बोल रहे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जो हम रायसेन के सभी इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर से पूछ रहे हैं। किस तरह के सवाल? संदीप राठौड़ को जानते हैं आप? हाँ जानता था, उसके कत्ल के बारे में सुना मैंने। संदीप को कितनी अच्छी तरह से जानते थे? ठीक ठाक जानता था, हम अक्सर अपनी फेडरेशन के इलेक्शन मीटिंग्स एग्जीबिशंस में टकराते थे, ऐसे कोई निजी दोस्ती वोस्ती नहीं थी, लेकिन हम एक दूसरे से वाकिफ थे। इतने वाकिफ थे कि आपसे दुश्मनी पाल पाते?
कहीं इस मर्डर में मेरा कोई हाथ है आप घुमा फिरा के ऐसा तो नहीं पूछ रहे हैं? अजय जी, घुमाना फिराना हम फोन पर नहीं अपने थाने में करते हैं, और बातों से नहीं लातों से करते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस कत्ल से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। एक टिप दूं आपको? हाँ, सुन रहा हूँ। इंसान अगर नंगी तारों को छेड़ेगा तो उसे करंट का झटका लगेगा। ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का नहीं, कुदरत का नियम है। जैसी करनी वैसी भरनी। संदीप राठौर नंगी तारों को छेड़ रहा था। भाई जी, अब तो आपके शिकार की अस्थियां भी बहा दी गई है, अब तो हमारे पैसे बहने दो। कोई बात नहीं भाई जी, कोई बात नहीं। इतने दिन इंतजार किया है, दो चार दिन और सही। हेलो, साहेब नगर पुलिस स्टेशन, मुझे इंस्पेक्टर सूरज राजपूत से बात करनी है। हर बात ये इशारा कर रही थी कि इस अटैक का निशाना संदीप राठौड़ ही था, और इन्वेस्टिगेशन सामने लेकर आई संदीप की बिजनेस में दुश्मनियां जो जान की धमकियों में तब्दील हुई थी। संदीप के तौर तरीकों और सोच पर सवालिया निशान लग रहा था, लेकिन क्या संदीप ही इन शिकारियों का असली शिकार था? अगर जैसी करनी वैसी भरनी वाकई में कुदरत का नियम है, तो उस हिसाब से संदीप राठौड़ के इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश होना भी कुदरती नियम होना चाहिए। पर क्या ऐसा था? इंदौर जेल में सजा काट रहे दो कैदियों के बीच की बातचीत लीक हुई थी, आशीष सबरवाल और सुजीत पुरी का संदीप राठौड़ के मर्डर से क्या कनेक्शन था? ओम प्रकाश के बेटे सुमित ने ललित राजावत का नाम क्यों लिया था? इस कहानी में कई उलझे हुए सुराग सामने आए। इस केस के चेसबोर्ड पर हर तरह के मोहरे छुपी हुई चालें चल रहे थे, लेकिन इन सबको लगाम देकर इस कहानी के अतीत में जाना पड़ा, उस शुरुआत की खोज में जहां इस हत्याकांड के बीज बोए गए थे। इस केस की पहेलियों को हम सुलझाएंगे कल रात 11 बजे इसके दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।